हमारे पास जो भी गौवंश आते हैं वह सभी बाहर से बेसहारा जो सड़कों पर होते हैं, जिनको कोई घरों से छोड़ देता है या एक्सीडेंट होने के कारण जख्मी गौवंश आते हैं। इसी ही तरह हमारे पास एक दिन रिमझिम गाय आई। अफसोस यह है कि जिस दिन हमारे पास रिमझिम गाय आई उसके बच्चा होने वाला था, तो इनकी डिलीवरी का समय 9 महीने का होता है। बच्चा 5.5 महीने में ही हो गया। प्रीमैच्योर डिलीवरी होने के कारण बच्चे को बचा नहीं पाए। अक्सर मैं शहरों में देखता हूँ कि लोगों के पास इतना पैसा है, इतना समय है, उन्हें समझ नहीं आता आज कौन से नए पब में जाएं, कौन सी नई गाड़ी खरीदें, कौन सा नया फ्लैट खरीदें, बच्चों के लिए कितना पैसा छोड़कर जाएं। अपनी इस खुशी की खोज में वह ना सिर्फ उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, जो उनके पैसे से, उनके समय से अपने हालात बेहतर कर सकते हैं, उस खुशी को भी पीछे धकेल रहे हैं जिसे वो इतनी बुरी तरह खोजते हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी रुककर सोचेगा तो उसे समझ आ जाएगा, हैप्पीनेस कैन नॉट बी फाउंड, हैप्पीनेस हैपेंस। खुशी को खोज नहीं सकते, पर अगर हम उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकते, तो खुशी खुद ब खुद अंदर से आ जाती है। वह खुशी आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। रिमझिम की खुराक खान पीन भी अच्छा है। अब यह अपने बच्चे को भी भूल चुकी है। तो देखिए, आप अगर खुद से शुरू नहीं कर सकते तो जो लोग यह काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़िए। वैसे तो हर एक को अपने समर्थ के हिसाब से कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कम से कम बेसहारा गौवंश डॉग्स को खाना खिला सकते हैं। अगर बहुत कुछ है तो जमीनें खरीदिए और जंगल बना दीजिए, इनके लिए सेफ स्पेसेस बना दीजिए। आज तक अपने लिए तो हम जीते आए हैं ना, कुछ समय दूसरों के लिए भी जीकर देखिए।